एवरीवन, सो आज हम एक और वीडियो के साथ वापस आ गए हैं जो हमारे पास है चेंजेस इन कोलेजन अफेक्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स. सॉरी आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज. बंदा सारा दिन एग्जॉस्टेड होके तो एंड में यही होता है. ठीक है, सो चेंजेस इन कोलेजन अफेक्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स में हमारे पास ये है कि सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन. ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास इमोबिलाइजेशन पे एक तो इसका इफेक्ट. ठीक है, सबसे पहले इमोबिलाइजेशन में हो क्या रहा है, ठीक है, हम वो देखते हैं. फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से ये इफेक्ट करेगा हमारे पास इमोबिलाइजेशन को. ठीक है, इफेक्ट्स इमोबिलाइजेशन पे अगर सिंपली हम देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास टिश्यूज़ की वीकनिंग हो रही है. वीकनिंग हो किस वजह से रही है, ठीक है, लाइक हमारे पास टिश्यूज़ की वीकनिंग तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वो किस वजह से हो रही है. एक तो कॉलेजन के टर्न ओवर की वजह से. ठीक है, कॉलेजन के टर्न ओवर को आप ऐसे कह सकते हो कि कॉलेजन के टर्न ओवर की, अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि कॉलेजन की इस बैलेंस रहना चाहिए, कॉलेजिन की जितनी सेंथेसिस हो रही है और जितनी उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, लाइक जितना वो टूट रहा है या जितना वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और जितना वो नया बन रहा है कॉलेजिन की अमाउंट, ठीक है, वो उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए. ठीक है, और ये उन्होंने कहा है कि कॉलेजिन का जो टर्न ओवर है वो अगर वो ठीक नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉलेजिन टर्न ओवर या वीक बॉन्डिंग होगी हमारे पास न्यू जो बन रहे हैं फाइबर्स उनके बीच में. ठीक है, अभी उन पर स्ट्रेस नहीं लगा हुआ, ठीक है, लेकिन जो नए बन रहे हैं उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, वो बॉन्डिंग में लूज हैं. तो ये दोनों चीज़ें क्या इफेक्ट कर रही हैं और इफेक्ट करने के बाद क्या कॉज करी है हमारे पास, क्या कॉज करी है, वीकनिंग टिश्यूज़ की. ठीक है, लाइक वीकनिंग होगी हमारे पास टिश्यूज़ की तो क्या होगा, हमारे पास इमोबिलाइजेशन की वजह से हो रही है ना, मोबिलाइज ही नहीं है. कितने टाइम तक जॉइंट जो है या एरिया या टिश्यू जो है वो मोबिलाइज ही नहीं हुआ, तो क्या होगा कि उसकी एंड रेंज ये होगी, या तो टिश्यू वीकनिंग हो जाएगी. ठीक है, दूसरी हम क्या चीज़ कह सकते हैं, एडिशंस बन जाती हैं. ठीक है, एडिशंस की अगर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है तो एडिशंस हम किसी भी चीज़ में ना, जब हमारे पास आप ये कह सकते हो एक्स्ट्रा ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, या आप कह सकते हो दो चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती है ना, लाइक उन्होंने नॉर्मली नहीं जुड़ना होता, ठीक है, लेकिन एडिशंस बन जाती हैं. आप ये टिश्यूज़ में हो सकता है, जॉइंट्स में हो सकता है. ठीक है, तो ये हम इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि हमारे पास, हम इसको लाइक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस के थ्रू या हम फिजिकल थेरेपी के एक्सरसाइजेस के थ्रू इसको मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है, एडिशन की फॉर्मेशंस को, ताकि हमारे पास एडिशन फॉर्मेशंस ना हो. उससे पहले पहले ही मोस्टली इमोबिलाइजेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम मैनेजमेंट कर चुके होते हैं. ठीक है, अब जो हमारे पास एडिशन की फॉर्मेशंस तो हो गई, ठीक है, लाइक हम सिंपली हमने एडिशंस अगर बन गई हैं, ठीक है, अब उसकी वजह क्या हो सकती है. ठीक है, या तो बिकॉज ऑफ हमने कहा कि हमारे पास क्या हो रही है कि ग्रेटर क्रॉस लिंकेज हो रही है, जो कॉलेजिन के ऑर्गेनाइज फाइबर्स थे ना उनकी एक तो डिसऑर्गेनाइजेशन थी, दूसरी उन्होंने कहा कि उसमें क्या हो रही है, क्रॉस लिंकेजेस जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, तो ये एक कॉज हो सकती है. दूसरी कॉज क्या हो सकती है कि हमारे पास जितनी इफेक्टिवनेस थी ना ग्राउंड सब्सटेंस की, जिसने मेंटेन की हुई थी हमारे पास स्पेस को, लुब्रिकेशंस को, जो फाइबर्स को मिल रही थी, ठीक है, अब जाहिर सी बात है फाइबर्स को जो ग्राउंड सब्सटेंस था, लाइक जिसमें प्रोटीग्लाइकन्स आ गए थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह आ गए थे, वाटरी सब्सटेंस था, हाइड्रेट कर रहे थे मैट्रिक्स के थ्रू, ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये हमारे पास क्या काम करती थी, हाँ ये हमारे पास काम करती सिंपली एक हेल्प आउट कर रही थी हमारे पास कि टिश्यूज़ जो है ना वो लुब्रिकेट रहे, उनमें स्पेस मेंटेन रहे. लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो गई है. जब उसकी इफेक्टिवनेस ही डिक्रीज़ हो गई है तो हमारे पास क्या कॉज होगा कि हमारे पास एडिशन फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, हमारे पास नॉर्मली टिश्यूज़ को लुब्रिकेशन ही नहीं मिल रही. अब एडिशंस तभी बन रही होती है जब हमारे पास एक तो वाटरी सब्सटेंस सही नहीं है. ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस ठीक नहीं है. ठीक है, और क्या होता है कि इसका जो रिटर्न होता है ना नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ की तरफ, वो ज़रा स्लो हो जाता है. ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास नॉर्मली जो थी ना, जो इसकी जो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ थी उसकी तरफ जाने के लिए ज़रा रेट स्लो हो जाएगा. सी नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. काफ़ी रिसर्च के बाद लोगों ने लाइक मंकीज पे रिसर्च की थी, और मंकी पे रिसर्च ये थी कि इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी. ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि 8 वीक्स तक, जब तक लाइक उसको कोई इंजरी होगी होगी, ठीक है, उसको 8 वीक्स तक उन्होंने इमोबिलाइज करा दिया. ठीक है, इंजरी के बगैर भी शायद इमोबिलाइज करा दिया. अब उसको इमोबिलाइज कराने के बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने चेक किया कि हमने मैक्सिमम लोड डाला, लाइक उस पर लोड डालते रहे, ठीक है, मैक्सिमम लोड जो उस टिश्यू ने फेस किया ना वो 61% था. ठीक है, उस टिश्यू ने 61% मैक्सिमम लोड फेस करने के बाद क्या किया, तब जाके टिश्यू फेल हुआ.
ठीक है, लाइन लिगामेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास लिगामेंट जो है वो 61% मैक्सिमम लोड गया उसके पास, तो तब जाके वो फेलियर की तरफ आया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 5 मंथ्स तक अगर हम उसकी दोबारा से रिकंडीशनिंग करें, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहे हैं उसको, हम लाइक हम उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये डिफरेंट चीज़ें हम डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस, हम फिजिकल थेरेपी की एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करवा के क्या कर रहे हैं, हमने 5 मंथ्स तक उसकी रिकंडीशनिंग की है, ठीक है। दोबारा से क्या किया हमने, 5 मंथ्स तक उसकी रिकंडीशनिंग की है। अब फेलियर जो था वो 79% मैक्सिमम लोड इतना बर्दाश्त कर रहा था, लाइक हमारे पास जो लिगामेंट था उसमें बर्दाश्त ज़्यादा हो गई थी। पहले हमने क्या कहा, जब तक इमोबिलाइज किया था 61% थी, ठीक है, इमोबिलाइजेशन 8 वीक्स तक थी, ठीक है। 8 वीक्स की इमोबिलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, 5 मंथ्स तक हमने उसको रीट्रीटमेंट दिया, रिकंडीशनिंग की उसकी, और क्या हुआ कि तब फेलियर का रेट क्या हो गया, मैक्सिमम जो लोड हो गया वो हमारे पास 79% तक बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, टिश्यू ने इतना बर्दाश्त कर लिया, और उसके बाद जाके टिश्यू फेल हुआ। फिर उन्होंने कहा क्या हा, 12 मंथ्स तक और रिकंडीशनिंग की और 91% मैक्सिमम लोड एक लिगामेंट ने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। लाइक अगर आप देखते हो, हाँ सॉरी, लाइक थोड़ी सी बिजी पर्सन हूँ मैं, कॉल्स आ रही हैं लगातार, ठीक है। सो अच्छा, हम वापस चलते हैं, हम वही बात करते हैं कि हमने क्या कहा कि कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है ना, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं 5 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद उसने कितना ज़्यादा, लाइक 79% उसने मैक्सिमम लोड जो है वो बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। और जब हमने 12 मंथ्स तक रिकंडीशनिंग की तो हमारे पास क्या हो गया कि 91%, लाइक इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है एक लिगामेंट में आपके वर्क करने से, आपके काम, आपके उस लिगामेंट पर काम करने से कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अब ये तो मंकीज के ऊपर रिसर्च हुई है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है ये चीज़। देर वॉज ऑल्सो अ रिडक्शन इन एनर्जी अब्जॉर्ब एंड एन इंक्रीज कंप्लायंस, लाइक सिंपली हमारे पास रिडक्शन जब हो जाएगी ना, एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है हमारे पास उसमें, ठीक है, या हमारे पास ओके लाइक डिक्रीज इन रिडक्शन इन एनर्जी, ठीक है। हमने क्या कहा, वही सही बात ये थी कि रिडक्शन होगी अगर एनर्जी अब्जॉर्ब होने में, अब एनर्जी इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं है तो हमारे पास कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगी, लाइक डिक्रीज स्टिफनेस कम हो रही थी ना, ठीक है, लेकिन लाइक हम ये कह रहे हैं कंप्लायंस ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास स्टिफनेस इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज हो रही है, जब हमारे पास बिल्कुल पीरियड टू फेलियर का मतलब यह है कि बिल्कुल जैसे फेलियर के करीब पहुंच जाती है ना, ठीक है, लाइक बिल्कुल फेलियर के करीब इमोबिलाइजेशन का फेज क्रॉस हो गया, अब बिल्कुल फेलियर के जब करीब पहुंच जाती है तो हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्ब होना कम हो जाती है और कंप्लायंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लाइक सिंपली आप कह सकते हो स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लाइक कंप्लायंस ज़्यादा हो जाती है और स्टिफनेस, ये मतलब कंप्लायंस ज़्यादा हो जाती है और वही हमारे पास रिडक्शन आ गई एनर्जी की अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइक इसमें फिर उसमें उन लोगों ने और भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जिसमें हमारे पास आ जाती है लाइक पार्शली और नियर कंप्लीट रिकवरी के जब हम करीब पहुँचते हैं तो उसका सेम इफेक्ट है, लाइक 5 या 12 मंथ तक हम ये पैटर्न देते रहेंगे ना तो हमारे पास कंप्लीट या लाइक पार्शियल रिकवरी या कंप्लीट भी हो तकरीबन करीब करीब हम पहुँच जाते हैं कंप्लीट रिकवरी के, ठीक है, लाइक नॉर्मली भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताई हुई है, इफेक्ट क्या है इनएक्टिविटी का, ठीक है, लाइक इनएक्टिविटी का ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, इसकी किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है इनएक्टिविटी में, ठीक है, क्या हो रहा है, एक तो हम साइज़ कम हो रहा होता है ना, ठीक है, साइज़ कम हो रहा है और दूसरा अमाउंट कम हो रहा है कॉलेजन के फाइबर्स का, सेम वही पिछले वाली बात है कि इनएक्टिविटी है या इमोबिलाइजेशन है, बात मिलती जुलती है, ठीक है, दोनों में यही है कि इसमें इनएक्टिविटी हो रही है, लाइक बंदा एक्टिविटी नहीं सही से नॉर्मली परफॉर्म हो रही, ठीक है। उसमें यह था कि हमारे पास बिल्कुल ही इमोबिलाइज हो चुका है, बिल्कुल ही हम कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास डिक्रीज होता है साइज में और अमाउंट में कॉलेजिन के फाइबर्स में, जिसकी रिजल्ट में क्या आता है कि हमारे पास वीकनिंग हो जाती है टिश्यूज़ की, ठीक है, लाइक हमारे पास टिश्यूज़ जो है ना वो वीक हो जाते हैं, जब वीकनिंग होगी ना हमारे पास, जहाँ पे वीकनिंग आ रही है टिश्यूज़ की, ठीक है, वहाँ पे हम मोस्टली काम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम स्ट्रेंथ या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे काम करते हैं, ठीक है, लाइक हम स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रहे होते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ पे हम जब काम करेंगे ना तो हमारे पास वीकनिंग जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास चीज़ें इंक्रीज करा देते हैं प्रीडोमिनेंस इलास्टिन फाइबर्स की, ठीक है, लाइक हमारे पास सिंपली अगर जो हमारे पास इलास्टिन फाइबर्स हैं ना, ठीक है, उनकी प्रीडोमिनेंस को जैसे इंक्रीज कराएंगे हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंप्लायंस का इंक्रीज लाइक स्टिफनेस का इंक्रीज होना कहते हैं, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स की प्रीडोमिनेंस को इंक्रीज कराने का मतलब ये है।
ओके लाइक किसी भी चीज़ की आप प्रीडोमिनेंसी को आप कैसे कंसीडर कर रहे होते हैं? सिंपली आप यही कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास कोई चीज़ डोमिनेंट आ जाती है, ठीक है? जब इलास्टिन फाइबर्स डोमिनेंट आ जाएंगे ना तो हमारे पास, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी, स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? अब इसके ऊपर हम क्या करें, इन्होंने कहा है कि हमारे पास 5 मंथ्स का ना हम क्या करें, सिंपली रेगुलर साइक्लिंग लोडिंग करा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में साइक्लिंग लोडिंग को डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे अब इस चीज़ को दोबारा से नहीं करूंगी, ठीक है? सिंपली मैं ये बताती हूँ, साइक्लिक और रिपीटेटिव साइकिल्स को भी कह सकते हो, ठीक है? साइक्लिक लोडिंग जो होती है हमारे पास, हम उसके रेगुलर 5 मंथ्स का सेशन देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रिकवरी काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? दूसरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है? लाइक स्ट्रेंथनिंग, कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक अगर आप, हम तो ये एक पेशेंट की भी बात करें, चलो लाइक फिजिकल थेरेपी सिर्फ एक पेशेंट पे भी नहीं अप्लाई होती ना, नॉर्मल पे बंदे पे भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जब नॉर्मल केसेस में हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बंदे का एक फिजिकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लाइक एक नॉर्मल पर्सन है हमारी तरह, ठीक है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो बंदा फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा। और जब फिजिकल एक्टिव नहीं रहता ना, तो हमारे पास जो टिश्यूज़ की इनएक्टिविटी के इफेक्ट्स थे ना, वो यही थे, वीकनिंग हो रही थी टिश्यूज़ की, ठीक है? कंप्लायंस इंक्रीज, लाइक स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है ना। आप खुद देखो, आपके जो मसल्स आज ज़्यादा काम नहीं ना करते, जिनसे उनमें स्टिफनेस इंक्रीज होती जाती है, ठीक है? तो इसको हमने मैनेज करना होता है, इस चीज़ को हमने मैनेज करना होता है, हमें फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है? लाइक आप फिजिकल एक्टिविटी में आप डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हो। नॉर्मली आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइजेस, सिंपली आप अपने आप पे जो खुद से आप सेल्फ एक्सरसाइज कर सकते हो, सारा कुछ, ठीक है? जो आप सिंपली स्ट्रेंथनिंग या कनेक्ट टिश्यू की स्ट्रेंथनिंग में काम करें, ठीक है? नेक्स्ट हमारी चीज आ रही है, इफेक्ट क्या आ रहा है एज का, ठीक है? सो लाइक एज का जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीज हो जाती है टेंसाइल, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है? एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है? इलास्टिक मॉडुलस भी कम हो जाता है, जो हमारे पास सिंपली इलास्टिक मॉडुलस, अगर नहीं पता आप लोगों को, तो सिंपली जो हमारे पास किसी भी मैयर करो तो ना, हम किसी भी रेजिस्टेंस को, लाइक जो क्वांटिटी होती है या किसी भी क्वांटिटी को ऐसे मैयर करें कि जो रेजिस्टेंस डिफॉर्म हो रही है, या आप सिंपली ये कह सकते हो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हम कर रहे होते हैं, सही है? लोग जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है स्ट्रेन के साथ, वो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस आ रहा होता है, ठीक है? अब हमारे पास डिक्रीज हो रही है ना मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और इलास्टिक मॉडुलस दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अडेप्टेशन थी ना किसी भी स्ट्रेस को अडेप्ट करने की ना, एक हमारे पास एबिलिटी होती है, ठीक है? आप सिंपली कह सकते हो किसी की स्ट्रेस को आप अडेप्ट कर लेते हो इजीली, ठीक है? लेकिन जब एज के साथ साथ ये होता है इफेक्टिव हो जाती है, लाइक हमारे पास एज के साथ साथ इस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और इफेक्ट क्या आता है कि हमारे पास ये स्लो हो जाती है, सही अडेप्ट, आप किसी भी स्ट्रेस को इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करते हो, ठीक है? इसलिए कहते हैं ना कि ओल्ड एजेस में हम ज़्यादातर हार्ड एक्सरसाइज नहीं करवाते, हार्श एक्सरसाइज नहीं करवाते, लाइक डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं करवाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? टेयर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या होती है सिंपली वो कम हो जाता है, ठीक है? अडेप्टेशन उसकी कम हो रही है। अच्छा, आप आज की ज़्यादा डिस्कशन वर्बली ही है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? सिंपली आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह क्या इफेक्ट है, एक्चुअली हो क्या रहा था एजिंग के प्रोसेस में, और दूसरा उस तरह से इफेक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है? अब उन्होंने कहा अगर हम टेंडेंसी को इंक्रीज करा देते हैं ना, लाइक स्ट्रेचिंग अगर आप सिंपली कराते हो, सिंपली आप सिर्फ स्ट्रेचिंग की बात करते हो, आप स्ट्रेचिंग इंक्रीज कराते हो ना, तो एजिंग वाले या एज जो पेशेंट होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये हो रहा है, ये ओवर यूज सिंड्रोम्स कॉज कर देता है, फटीक फेलियर्स आ जाते हैं, टीयर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? यही मैं बात करती थी कि टीयर्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं ना, सिंपली वेयर एंड टीयर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप एज रिलेटेड देखें, ठीक है? लाइक एडल्टहुड या आप लास्ट डिकेड्स में चले जाते हो ना एज की, ठीक है? लाइक हम 40-50s क्रॉस कर लेना, तो लाइक हमारे तो एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि 40-50 के बाद ही ये एजिंग के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो फटीक फेलियर्स टीयर्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास इनएक्टिविटी बहुत कम है, कि लाइक हम फिज़िकली एक्टिव नहीं होते ना इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, या फिज़िकल एक्टिव हो भी लेकिन सम पार्ट्स ऐसे होते हैं बंदे के वो काम नहीं कर रहे होते, इतने ज़्यादा काम नहीं करते, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? अब ओवर यूज सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं। अब सिर्फ हमने यही बात नहीं की कि कम है, इनएक्टिविटी कम है, नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ओवर ट्रेनिंग है,
एक बंदा स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने सारी लाइफ अगर अपनी सिर्फ स्पोर्ट्स में गुजार दी, ठीक है, और लाइक उसमें इतनी ज़्यादा होगी कि हम अब उस बंदे में बिल्कुल एंड में आके इतनी ज़्यादा उसने ओवर ट्रेनिंग की थी कि अब उसमें ओवर यूज सिंड्रोम्स कॉज हो गए, लाइक बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कॉज हो सकती है। फिर हमारे पास इफेक्ट क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है। स्टेरॉइड्स लाइक स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा केसेस में स्टेरॉइड्स बहुत डिजास्ट्रस इफेक्ट्स दे रही होती है, लाइक बहुत डेंजरस इफेक्ट्स दे रही होती है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग डेलिटेरियस इफेक्ट्स, ठीक है, लाइक सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डैमेजिंग इफेक्ट या डेंजरस इफेक्ट्स भी कह सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो कॉलेजन की होती है ना उसके ऊपर देती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। और हमारे पास किस पे दे रहा है, कॉलेजन पे, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो कॉलेजन के उन पे, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास ना टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, ठीक है। लाइक हमने एजिंग में भी ये बात की थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जाहिर सी बात है आपके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उस टेंस जो आपका टेंशन फोर्स या जो अप्लाई हो रही है उसके खिलाफ आप कुछ रिस्पॉन्स दे सको, तो क्या होगा कि हमारे पास ठीक नहीं रहेगा ना, लाइक कॉलेजन के फाइबर्स ठीक नहीं है तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी सही नहीं है, स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपनी बॉडी पे, कोई लोड बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो क्या होगा हमारे पास इफेक्ट्स बुरे होंगे ना, ठीक है। तो यही इसमें काम है। अब उन्होंने क्या कहा है, इसमें क्या होती है फिब्रोसाइट डेथ, ठीक है। अगर आप इंजेक्शन की जो साइट है ना, ठीक है, लाइक जिस जगह आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इंजेक्शन लाइक दे रहे हो, ठीक है, वो जो एरिया है उसमें क्या होती है फिब्रोसाइट्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिले हो जाता है ना रीअपेरेंस नए टिश्यूज़ का या आप नए सेल्स का बनने के, जो रीअपेरेंस थी ना उनमें डिले आ जाता है, उस प्रोसेस में डिले आ जाता है, कितने वीक्स तक, 15 वीक तक। देखो अब नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि हम स्ट्रेचिंग वगैरह में ना लिटिल इंजरीज कॉज करते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास दोबारा से वो टिश्यू बनेगा, कॉलेजिन की प्रोडक्शन होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इफेक्टिवनेस आती है, स्ट्रेंथनिंग आती है। स्ट्रेंथनिंग पता है तो कहाँ आती है, जब हमारे पास स्ट्रेंथनिंग की प्रोसेस यही है कि हम सिंपली सिंपल इंजरीज स्मॉल इंजरीज दे रहे होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो होता है ना इफेक्टिव आता है। अगर यहाँ पर फिब्रोसाइट्स नॉर्मली डेथ हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी ऐसे कोई भी काम नहीं करते वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास मोस्टली स्टेरॉइड्स के पेशेंट्स में तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती, ठीक है। मोस्टली उस एरियाज पे तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह या जिस तरह वहाँ पे अप्लाई हुए भी है, उन एरियाज को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना होता, ठीक है। और 15 वीक्स तक लाइक इतना होता है कि इन पेशेंट्स में ना नॉर्मल पेशेंट्स की तरह नहीं होता, 15 वीक्स तक डिले हो जाती है, ठीक है, दोबारा से कॉलेजिन की रिपेरेंस या जिस तरह से भी उन्होंने नॉर्मली कहा है ना, ठीक है, ये इन पेशेंट्स में डिले हो चुका होता है, ठीक है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इफेक्ट दिखाया हुआ है। फिर हमारे पास इंजरी इफेक्ट ऑफ इंजरी क्या है, इंजरी का क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेसिव टेंसाइल लोडिंग की, हमने लोडिंग इतनी ज़्यादा की कि जिसके बाद क्या आ गया, रेप्चर आ गया लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, ठीक है, डिफरेंट लाइक जो मस्कुलर टेंडिनस जंक्शन है जहाँ पे मसल और टेंडन्स ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे लाइक टेंडन्स में आ जाता है, कोई लिगामेंट्स में रप्चर आ जाता है, किस वजह से आ रहा है, लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बार बार लोडिंग जा रही है, एक्सेसिव लोडिंग है, ठीक है। जब एक्सेसिव लोडिंग की हम बात करें ना तो हमारे पास क्या आ रही है, सिंपली यही बात आ रही है, सही है, लोडिंग होगी, रप्चर होगी हमारे पास लिगामेंट्स की और साथ हमारे पास टेंडन्स की, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, हीलिंग ने पैटर्न फॉलो किया, ठीक है, एक फॉलो किया प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले उसने ब्रिजिंग की रप्चर साइट पे, ठीक है, लाइक हमारे पास नॉर्मली कैसे हो रही थी कि कॉल आता है क्या, न्यूली सिंथेसाइज्ड टाइप 3 कॉलेजन आएगा, ठीक है। उसने क्या किया, स्ट्रक्चरल वीकनिंग होती है क्योंकि कॉलेजन जो वन कॉलेजन टाइप 1 होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, वो मेच्योर टाइप है, लेकिन जो स्टार्ट होता है ना जब न्यूली सिंथेसाइज होता है कॉलेजन तो वो टाइप 3 होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, रीमॉडलिंग का प्रोसेस हुआ और रीमॉडलिंग के प्रोसेस के बाद क्या हुआ, मेच्योर होकर टाइप 1 में कन्वर्ट हो गए और टाइप 1 जो है वो हमारे पास लाइक आप ये कह सकते हो कि हमारे पास स्टिफ होता है, ठीक है, लाइक आप स्टिफ भी कह सकते हो इसको, सिंपली आप ये कह सकते हो कि हमारे पास हार्ड होता है, सही है, हार्ड या स्टिफ कह सकते हो, सही है, यह कॉलेजिन टाइप 3 से ज़्यादा हार्ड या वीक नहीं होता, ठीक है, स्ट्रांग भी कह सकते हो, हाँ सच्ची स्ट्रांग एक वर्ड हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा
रीमॉडलिंग यूजली बिगेन अबाउट 3 वीक्स ऑफ पोस्ट इंजरी, ठीक है, वही सिंपली प्रोसेस है। रीमॉडलिंग कैसे, रिपेयर का जो प्रोसेसिंग, रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस है वो 3 वीक्स तक के बाद आता है। इंजरी के 3 वीक्स के बाद ना हम रीमॉडलिंग के प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, और बहुत वीक से ईयर्स तक भी लोगों में जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करती है, ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है, एक तो कितनी इंजरी हुई हुई है, उसका साइज कितना है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ वो टेयर हुआ हुआ है, लाइक कितने ज़्यादा अपनी जगह से इंजरी या सेल्स में डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, कितनी ज़्यादा इंजरी फैली हुई है, कितना ज़्यादा उसने एरिया कवर किया हुआ है उस इंजरी ने, ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। साइज कितना है कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर का, ठीक है, कितनी डैमेज की डैमेजिंग कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है टेयर का, ठीक है, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, सही है। तो ये हमारे पास हो गए थे कॉलेजिन के जो लाइक चेंजेस थे कॉलेजिन में आ रहे थे, ठीक है, जो हमारे पास इफेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स को, ठीक है। इसमें हमने सब में कॉलेजिन की ही ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, सही है। सिंपली हमारे पास जो चीज़ें हैं ना ये रिटेन करने वाली है, ठीक है, इस चीज़ को समझ के लाइक कॉन्सेप्चुअल बेस है। सिंपली आपने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट इसमें से खींच के बाहर निकालना होता है और सिंपली इसको माइंड सेट में ना बस पक्का घुसा लो, ठीक है। लाइक सिंपली आप ये कह सकते हो बिल्कुल ना लाइफ लॉन्ग के लिए इसको रिटेन कर लो अपने माइंड में, सही है। सो ये हमारे पास हो गई है चेंजेस कॉलेजिन के अफेक्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स की, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आ रही है वो डिटर्मिनेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाकी हमारे पास आज लाइक मेरे ख्याल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है, सही है, स्ट्रेचिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई इंक्वायरी या कोई इशू पे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.